फोर्थ चैप्टर डिटरमिनेंट 12th क्लास। सबसे फर्स्ट डिटरमिनेंट क्या है ये चीज देखते हैं, उसके बाद में इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। आज केवल एक चीज ही बताऊंगा मैं, एक तो डिटरमिनेंट क्या है और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। सारणी का मान चैप्टर नंबर 4 सारणिक, हिंदी में सारणिक होती क्या है और सारणी का मान कैसे निकाला जाता है ये चीज देखेंगे। सबसे फर्स्ट डिटरमिनेंट इसका साइन होता है मोड, ऐसे आपने साइंस वालों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा था वेक्टर में, एक वस्तु वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था सदिश पूरा, सदिश पूरा में अपन ने पढ़ा था ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट अपन निकालते थे डिटरमिनेंट मेथड से, आई जे के लिखते थे, फिर यहाँ पर ए और बी वेक्टर में जो आई जे के कोफिशियंट होते थे वो कोफिशियंट वेक्टर की वैल्यू फाइंड करते थे। तो उसी पर बेस है पूरा चैप्टर डिटरमिनेंट। सबसे फर्स्ट डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की बनाते हैं, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की बनाते हैं, सारणिक हमेशा वर्ग मैट्रिक्स की बनाते हैं, और एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है संख्यात्मक मान। मतलब कहने का मतलब होता है सारणिक वर्ग मैट्रिक्स से संबंधित एक संख्यात्मक मान है। स्क्वायर मैट्रिक्स की बनाते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट बना सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है तो डिटरमिनेंट बनाना पॉसिबल नहीं है। तो डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की बनाते हैं, और डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, संख्यात्मक मान होता है। अब देखिए अपन डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे क्या फाइंड करते हैं। सबसे फर्स्ट में 2x2 में कर रहा हूँ, फिर 3x3 कर रहा हूँ। सबसे फर्स्ट 2x2, जैसे अपन एक वैल्यू ले रहा हूँ मैं ए बी सी डी, ये मोड वाला साइन है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे 2x2, 10th क्लास में आपने पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वज्र गुणन विधि, तो वहां पर भी अपन ने इसकी वैल्यू फाइंड की थी ए बी सी डी, इसकी वैल्यू आई थी ए डी माइनस बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई ए को डी से मल्टीप्लाई माइनस बी को सी से मल्टीप्लाई। ये तो अपने 2x2 की डिटरमिनेंट की वैल्यू, बीच में माइनस फॉर्मूले का आता है। अब 3x3 पर लेते हैं a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये कोई डिटरमिनेंट भी बना है, इस डिटरमिनेंट में इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट रो r1 प्रथम पंक्ति, सेकेंड रो r2 द्वितीय पंक्ति, थर्ड रो r3 तृतीय पंक्ति, तीसरी पंक्ति। इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट कॉलम C1, सेकेंड कॉलम C2, थर्ड कॉलम C3। ये तो अपने मैट्रिक्स की जैसे ही है R1, R2, R3, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, रो का मतलब पंक्ति, कॉलम का मतलब स्तंभ। अब अपने को इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी तो अपने साइन पता होना चाहिए, यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, ये 11th क्लास में आपने पढ़ा था। ऐसे इसका मेन फॉर्मूला होता है, कोई एलिमेंट है ए आई जे तो माइनस प्लस इसको लेकर आने का फॉर्मूला -1 की पावर i+j, मीन्स आई और जे जैसे 1 1 है तो -1 की पावर 1+1 2 हो गया, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, माइनस की पावर ओड नंबर है तो वैल्यू माइनस में आएगी, और इवन नंबर है तो वैल्यू प्लस में आएगी। तो यहाँ पर देखिए 1+1 2 है, 2 इवन नंबर है, इसमें वैल्यू प्लस है, 1+2 3 और नंबर वैल्यू माइनस, यहाँ पर प्लस। इस टाइप से 3x3 में तो अल्टरनेट साइन आता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यही साइन चलता है। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। जनरली डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते तो कोई भी एक रो या एक कॉलम को सोल्व करके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। कोई भी एक रो या एक कॉलम, जैसे अपन फर्स्ट रो को भी कर सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी, चाहे फर्स्ट रो को करो, सेकंड रो को सोल्व करो, थर्ड रो को करो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, किसी भी रो या कॉलम को सोल्व करो, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आएगी।
बट स्टार्टिंग के क्वेश्चन में मैं फर्स्ट रो को ही सोल्व करूंगा, जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे तो वहां पर मैं बताऊंगा आपको कि अपन फर्स्ट रो सेकंड रो किसी को भी सोल्व करो वैल्यू सेम आएगी। एक क्वेश्चन में मैं चाहे अभी बता दूंगा आपको एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एलिमेंट है ए वन वन लेंगे तो जो एलिमेंट ले रहे हैं उस एलिमेंट वाली रो और कॉलम को हटा दो, रो और कॉलम को हटाएंगे तो वैल्यू आएगी अपने पास A22, A23, A32, A33। ये तो अपने फर्स्ट एलिमेंट लिया A11। अभी मैंने कहा कोई भी एक रो या एक कॉलम लेना है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिया, अब सेकंड एलिमेंट पर माइनस आता है तो माइनस A12, रो कॉलम हटाएंगे A21, A23, A31, A33, फिर A13, वापस A21, A22, A31, A32। जैसे अपन ने इसको सोल्व किया फर्स्ट रो को तो मैं डिटरमिनेंट कन्वर्ट हो गई 2x2 में, और 2x2 के डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते A11, A22, A33, A12, A21, A32, A33, A23, A31, plus A13, A21, A32, A22, A31। ये तो अपन ने डिटरमिनेंट की वैल्यू, ये तो अपने A11, A12 इस टाइप में लिया। अब अपन लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू पर बेस, न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी। अब मैं फर्स्ट रो ले रहा हूं, फर्स्ट रो में साइन है प्लस माइनस प्लस, वैल्यू आएगी 1, 5, 6, 8, 9, माइनस के 2, 4, 6, 7, 9, प्लस के 3, 4, 5, 7, 8। इसकी अपन वैल्यू फाइंड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 देंगे इधर आएगा 45, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 माइनस 48 माइनस 2 36 माइनस 42 प्लस 3 42 माइनस 45 माइनस 48 माइनस 3 प्लस के 12 माइनस के 9 वैल्यू 0। ये तो अपन ने सोल्व किया था फर्स्ट रो को आर। मैंने अभी बोला था आपको किसी भी एक रो या एक कॉलम को सोल्व करना है, ये तो फर्स्ट रो को सोल्व किया। अब मैं कर रहा हूं फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट कॉलम में साइन होता है बच्चों प्लस माइनस प्लस, तो फर्स्ट साइन 1, फर्स्ट कॉलम को सोल्व करेंगे 5, 6, 8, 9 माइनस के 4, 2, 3, 8, 9। दूसरी बार पहली बार किया